एक्साइटमेंट है एक अवार्ड मिलना। ये बहुत एक्साइटमेंट की बात है कि इतने लोगों को अवार्ड मिला, इतने लोगों को अप्रिशिएट किया गया, उसके बीच में मैं भी शामिल था, तो इसके लिए बहुत खुशी हो रही है और बहुत प्राउड फील हो रहा है। आप भी काफ़ी धमाल मचाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अवार्ड से, क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी ऊपर जाने वाली है और भोजपुरी का जो ऑडियंस है, जो डिमांड है, वो काफ़ी अभी बढ़ा जा रहा है। हम लोग आशा करते हैं भोजपुरी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और हम लोग उसके साथ चलते रहे। और आने वाले दिनों में किस तरह का अवार्ड होने वाला है और किन किन को आप अवार्ड से नवाजना? जो हार्ड वर्कर है, जो न्यू कमर्स है, हम लोग चाहते हैं कि सबको, जो ओरिजिनली अवार्ड के हकदार हैं, चाहते हैं हम उनको अवार्ड दें हम और उनको अप्रिशिएट करके उनको ऊपर लाएं ताकि इंडस्ट्री हमारी और ग्रो करें, सच्चे लोग को अवार्ड मिले, यही हम चाहते हैं। सर फिल्मों की बात करें तो क्या आप नया फिल्म आप यहाँ पर मुंबई में कोई प्रोड्यूस करेंगे? भोजपुरी या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आकर आप कोई फिल्म प्रोड्यूस करना पसंद करेंगे? अभी हम लोग प्रोड्यूस किए, हम लोगों ने दो मूवी हमने प्रोड्यूस कर दी है, तीसरी चौथी भी लाइन पे है और भोजपुरी को ही हम लोग अपना बेस बना रहे हैं अभी कि भोजपुरी फिल्मों से ही अपना करियर आगे बढ़ाएं और लोगों को इंटरटेन करें। भोजपुरी में एक आता है कि जो परिवार सब जाके नहीं देख पाते हैं फिल्में, तो उसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ सभी कलाकार जुड़ते हैं अवार्ड के माध्यम से और अवार्ड ही एक बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक अच्छा अवार्ड देना, अच्छी फिल्मों को देना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने, ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट है आज के डेट में भोजपुरी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो हमारा अवार्ड शो देख लीजिए, कलकत्ता अवार्ड शो जो हम लोग करवाते हैं, स्क्रीन एंड स्क्रीन सिने अवार्ड, आप दोनों अवार्ड शो देख लीजिए और हम लोगों ने हमने दो मूवी डायरेक्ट प्रोड्यूस की, पूरा परिवार एक साथ हमारा अवार्ड शो भी देखा है और पूरा परिवार एक साथ हमारी मूवी को देखेगा। ऐसी मूवी हम लोग ला रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें थे वो सब खत्म हो रही हैं और आगे भोजपुरी बहुत आगे बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है कि पूरा परिवार पूरा समाज एक साथ देखेगा और एक साथ बढ़ेगा। आखिर में दर्शकों से कुछ मैसेज आप दे रहे हैं? हम लोग यही दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भोजपुरी को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो देते रहिए और भोजपुरी की टीम आपके लिए अच्छा मनोरंजन का साधन लेके आती रहेगी। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सर।